हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स की एक हॉरर कॉमिक्स, खून का दरिया। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी हॉरर कॉमिक्सों के लिए। ये बचपन की मेरी कॉमिक्सों में बड़ी फेवरेट है, खून का दरिया। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, खून का दरिया, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना। ये सेट की जानकारियां, खून का दरिया। गंगा सफाई अभियान पर निकला एक जांच दल, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, आज रात हम इसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। ये ऐड बड़े बड़े अच्छे लगते थे दोस्तों। ये सहारनपुर सिटी का ये ऐड है, वहाँ के बुक स्टॉल बड़े फेमस थे, इतने ज़्यादा, एक जगह रेलवे स्टेशन के पास इतने बुक स्टॉल भर भर के, इतनी वहाँ कॉमिक्सें भर भर के पड़ी हुई थी, ऐसा ढेर लगा हुआ था उस ज़माने में। मैं देखता था आज वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन पहले ज़माने में कॉमिक्सें भर भर के चारपाइयाँ बिछी होती थी। उफ़, वो यादें। जल्दी, तुम यहाँ के चौकीदार हो? जी साहब, हम गंगा सफाई अभियान पर आए हैं, तो हमारा पत्र मिला होगा। जी साहब, आप सब फ्रेश हो जाइए, मैं आप सबके लिए खाना लगाता हूँ, जल्दी। अचानक चौक उठा, शर्मा चौका। अरे जॉर्ज और बिल्लू कहाँ हैं? जब हम गेस्ट रेस्ट हाउस में दाखिल हुए थे तो मैंने मेटाडोर के पास खड़े देखा था, खाना बाद में खाएंगे, जाओ पहले उन दोनों को देखते हैं। उधर जॉर्ज और बिल्लू, जल्दी कर यार, अगर हमें कोई ढूंढता हुआ आ निकला तो मुसीबत हो जाएगी। तभी धप धप धप, कौन? अगले पल, कौन हैं आप? तुम्हारी मौत, अगले पल। ओह नो, हे भगवान। और फिर जॉर्ज, भागो वरना ये अपना कहा पूरा कर दिखाएगी। इससे पहले कि वे भाग पाते, धड़ाक, आये खच खचाक, और फिर और उधर आई। उफ, ये तो बिल्लू के चीखने की आवाज है। और फिर जब वहां सब जाके देखा, उफ, ओह गॉड, ओह ओह, ये सब कैसे हुआ? कहीं किसी प्रेत आत्मा का काम तो नहीं है? प्रेत आत्मा नहीं, मैं इन बेहूदा बातों को नहीं मानता, जरूर कोई अन्य बात है। जाओ इनकी लाशों को रेस्ट हाउस ले चले। फिर अगले दिन सुबह, तिर तिर तिर, उनकी अंत्येष्टि के बाद अब हम आगे का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। नो सर, जो होना था हो गया, आगे का प्रोग्राम कैंसिल करने का क्या फायदा? ठीक है, फिर आज ही हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। और फिर हम जैसे ही वे अपने अभियान पर निकले, मैं भी आपके साथ चलूँगा साहब। हमारे साथ चलकर तुम क्या करोगे? यूं ही साहब, पवित्र गंगोत्री के दर्शन करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। ठीक है, शुक्रिया साहब। कुछ देर बाद, गंगोत्री जाने वाले पर्यटक अक्सर इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं साहब। हम गंगोत्री कब तक पहुंच जाएंगे? अगर बिना रुके चलते रहे तो 10 घंटे लगेंगे। सभी काफ़ी देर तक चलते रहे, हमें यहाँ कुछ देर नाश्ते पानी के लिए रुकेंगे। उफ, शुक्र है रुकने की सोची, वरना चलते चलते तो मेरा दम ही निकल गया था। तुम विमल के साथ जाकर पानी ले आओ राजेश, तब तक मैं खाना लगवाता हूँ। ओके सर, झील पर पहुँचकर, जल्दी कर यार, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। तभी ओह नो, उफ, ये तो राजेश को पानी में खींच रहे हैं। दूसरे ही क्षण और कुछ ही बल बाद, ओहो खच। तभी बचाओ बचाओ। उधर, अरे ये तो विमल की चीख लगती है, आओ देखें क्या हुआ उसे। और फिर बचाओ। उधर नहीं, अचानक आई। अगले पर नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गप गप, पूरा का पूरा हाथ मुंह में घुस गया। गप, उफ, क्या हुआ विमल को? यह बुरी तरह क्यों तड़प रहा है? ओहो, अचानक सभी पीछे हट जाओ, जल्दी।
उसी क्षण पणाम, ओ गॉड, फचाक फच, उफ। अचानक ओह नो, ओहो, हे भगवान, ये तो वहीं तरफ बढ़ रहा है। मेरे होते तू अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेगा, धाड़। अगले पल मैं तुझे भागने नहीं दूंगा कमीने, जाओ उसे बंदी बनाओ। एक बाल निकाल के फेंकता है वो। सभी बुत बने उस चमत्कार को देख रहे थे। ओहो नहीं, नहीं, नहीं। ले आओ उस दुष्ट को मेरे पास। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज तुझे मेरी कैद में आने से कोई नहीं बचा सकता। हे पवित्र शक्ति, इस दुष्ट को लेकर इसमें घुस जाओ। अब कोई भी तुझे मुझसे आजाद नहीं करा सकता। और ये सब क्या है बिशन, तुम एक चौकीदार होते हुए भी? साहब, मैं चौकीदार नहीं बल्कि एक मांत्रिक हूँ, और चौकीदार बिशन का बड़ा भाई हूँ, किशन का बड़ा भाई हूँ। जिसन किशन पिछले दिनों चार पर्यटकों के साथ मारा गया था, जो गंगोत्री के लिए उसे अपने साथ ले गए थे। उफ, ये किसी साधारण मनुष्य का कारण नहीं है, किसी प्रेत आत्मा का कार्य है। मैंने तुरंत ही ध्यान लगाया। ओहो, तो ये सब इस प्रेत आत्मा का कार्य है, और ये अधिक शक्तिशाली है। मैं अत्यधिक अनुष्ठान करके इसे नहीं बुला सकता। इसे काबू में करने के लिए मुझे इसके द्वारा की जाने वाली दूसरी वारदात की प्रतीक्षा करनी होगी, और मैं इस रेस्ट हाउस में आकर उस प्रेतात्मा की दूसरी रात वारदात की प्रतीक्षा करने लगा, और आखिरकार मैंने उसे कैद कर लिया। ओहो, तो इसलिए तुम हमारे साथ आए थे। लेकिन इस प्रेतात्मा ने ऐसा क्यों किया? ये वही प्रेतात्मा है, बता सकती है। मैं अभी इसे सवाल जवाब करता हूँ। अगले पल, बता कौन है तू, ये सब तूने क्यों किया? मैं बदला ले रही हूँ। बदला? हाँ, मैं पूरी मनुष्य जाति से बदला ले रही हूँ, क्योंकि वही मेरी हत्या के जिम्मेदार हैं। 20 दिन पहले ही की बात है, जब हम गंगोत्री कब तक पहुँचेंगे महेश? 2 घंटे बाद एक दुर्गम स्थान पर। संभल कर साहब, यहाँ से फिसलने का मतलब है मौत। कुछ देर बाद फिर एक, ये तुम क्या कर रहे हो महेश? सॉरी मीना डार्लिंग, तुम्हें मरना होगा ताकि तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो सके। क्या? अगले पल, अलविदा डार्लिंग। आये, हा हा, पच 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 पच, नीचे गिर के चीथड़े चीथड़े हो गई। और मैं, तुमने दौलत के लिए मेरी हत्या कर डाली कुत्ते, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर मैं क्रोध में बुरी तरह पागल हो उठी। आये आये, खच खच खचा खच, खच खचा खच, बचाओ आई। और अब गंगोत्री आने वाले हर मनुष्य को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन अब तू कुछ नहीं कर सकेगी, फिर ये रुद्राक्ष तुम्हें आने वाले खतरों से बचाएंगे। अब चलो। थोड़ी देर बाद उफिया कोई गिर पड़े तो उसकी हड्डियां तक साबुत ना बचे। अचानक ओहो 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 नो, उफ, ये क्या हुआ? हमें बचाने वाला मौत के मुंह में चला गया। अब अधिक और सावधानी से चलो, वरना हम भी कोई गिर सकता है। फिर सभी बेहद सावधानी के साथ उस संकरे रास्ते को पार करने लगे। जब वह थोड़ा आगे पहुंचे तो एक आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम हजारों फुट खिराई से गिरकर भी बच गए? आप? हम जैसे आदमी मरा नहीं करते। अब वे रुद्राक्ष मुझे वापस कर दो। तुमने तो रुद्राक्ष को हमें सुरक्षा के लिए दिया था, फिर वापस क्यों मांग रहे हो? बहस नहीं, ये रुद्राक्ष वहीं तरफ फेंको जल्दी। ये लो, ये लो, लो, तुम भी अपने आप रुद्राक्ष फेंको। नहीं, पहले रुद्राक्ष वापस लेने का कारण बताओ, तभी इन्हें वापस करेंगे। हाँ, रुद्राक्ष वापस लेने से पहले तुम्हें इनका कारण बताना होगा। मैं कहता हूँ रुद्राक्ष वापस करो। नहीं। और अचानक ओहो ओहो उफ, भचाक भचा पच, उफ, ये तो वही प्रेत आत्मा है। ये आजाद कैसे हो गई और बिशन के शरीर में कैसे थी? मैं बताती हूँ। जब तुम बिशन का शरीर गहरी खाई में गिरा तो उसकी मौत के साथ ही पत्थरों से टकरा कर वह थर्मस पे फट गया, जिसमें मैं कैश थी धाम कड़ाक, और उसी तरह मैं आज़ाद हो गई। अब इनमें से मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और फिर जब मैं तुम्हारी तरफ बन बड़ी तो अचानक चौंक पड़ी। ओहो, इन सब के पास तो अभिमंत्रित रुद्राक्ष हैं, जिनके होते मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनसे वे रुद्राक्ष वापस लेने होंगे, और इसके लिए मुझे शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। अगले ही पल मैं उस शरीर में प्रविष्ट हो गई, और इस तरह मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब क्या होगा प्रमोद? अब कुछ नहीं हो सकता।
हमारे इन साथियों ने रुद्राक्ष वापस करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके अपनी मौत खुद बुला ली है। और अगले पल मौत सचमुच उन साथियों में टूट पड़ी। आई धड़ाक बचाक ओहो आ बचाक। प्रशांत भयभीत हिरण की भांति कुलाचे भरता हुआ भाग खड़ा हुआ था। नहीं आ भिच, उसने हमारे साथियों को मार डाला है। प्रमोद भागो वरना हम ही मार डालेगी। घबराओ मत संजय, जब तक रुद्राक्ष हमारे हाथों में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभिमंत्रित रुद्राक्षों की वजह से अभी मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। उफ ओहो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आओ प्रमोद वापस चले, हम वापस नहीं जा सकते। संजय यह प्रेत आत्मा भले ही हमारे नज़दीक ना आए, लेकिन दूर रहकर यह हमारा अहित कर सकती है। फिर क्या करें, हमें उस प्रेत आत्मा को समाप्त करने का प्रयत्न करना होगा। कैसे, इसके शव का विधिवत क्रियाक्रम करके उस प्रेत आत्मा को शांत किया जा सकता है। ओहो लेकिन उसके लिए तो हमें हजारों फीट गहराई में जाना होगा, तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है। मुझे जान की चिंता नहीं है संजय, लेकिन अब या तो हम उस प्रेत आत्मा को समाप्त करेंगे या फिर अपने साथियों की तरह मैं खुद भी मर जाऊंगा। ये कहकर प्रमोद जैसे आगे बढ़ा। ठहरो प्रमोद, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओहो ये तो मेरे सबका क्रियाक्रम करने के उसे नष्ट करना चाहते हैं। रुद्राक्षों के कारण मैं इनके पास नहीं जा सकती, मगर दूर रहकर तो इन्हें रोकने का यत्न कर सकती हूँ। अगले ही पल ओ गॉड ओ गॉड। लेकिन इससे पहले कि चट्टान संजय को उछल पाती, बचाओ ओ गॉड। उफ तुमने मुझे बचा लिया, वरना बातों में समय खराब मत करो, जल्दी नीचे उतरो। दौड़ो तेजी से नीचे उतरने लगे। जल्दी ही उसकी लाश यहीं कहीं पड़ी होगी, जल्दी ढूंढो उसे। कुछ ही पलों बाद ओहो वह रही लाश। उफ इसे जलाने के लिए हमें लकड़ियों का इंतजाम करना होगा। तुम लाश के पास ठहरो, मैं आसपास लकड़ियां इकट्ठे करके लाती हूँ। ओके दोनों अलग हो चुके हैं, अब मैं अपना जाल फैलाकर इनसे रुद्राक्ष प्राप्त कर सकती हूँ। सावधान रहना संजय, वह प्रेत आत्मा हमारे आसपास ही कहीं होगी। सबसे पहले इसे यहाँ से हटाना होगा। फिर संजय बचाओ बचाओ। क्या हुआ प्रमोद? रुद्राक्ष मेरे हाथ से कहीं गिर गया है, वह प्रेत आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे बचाओ संजय, मुझे बचाओ। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ पलों के लिए अपना रुद्राक्ष मुझे दे दो। वह आ गई संजय, जल्दी करो, वह मुझे मार डालेगी। अगले पल ये लो। लेकिन अगले क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गईं। ओहो फिर वह हलक फाड़ कर चीखा, प्रमोद। हे भगवान, कहीं संजय उस प्रेत आत्मा के चंगुल में तो नहीं फंस गया? नहीं, प्रमोद तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। नहीं ओहो अब क्या करूं, संजय को प्रेत आत्मा से कैसे बचाऊं? उफ कुछ समझ में नहीं आता, संजय को बचाने का भी एक ही तरीका है मेरे पास। अगले पल किसी विचार में मूझते ही प्रमोद ने अपनी कमीज उतार कर फुर्ती से लाइटर द्वारा उसमें आग लगाई और भक्क दूसरे क्षण उफ, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। भक भक और कुछ पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। वह खत्म हो चुकी है संजय, आओ हम चलें। उफ मुझे तो ये सब एक सपना जैसा लगता है, काश ये सब हमने पहले किया होता तो आज हमारे सभी साथी हमारे साथ होते। समाप्त। तो दोस्तों ये हॉरर कॉमिक्स खून का दरिया यहीं पे समाप्त हुई। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी हॉरर कॉमिक्सों के लिए। कॉमिक्स की दुनिया में अनोखा हंगामा, कॉमिक्स 2000, कॉमिक्स 2000, कॉमिक्स 2000 का वॉल्यूम 1 हमारे चैनल पे अपलोड है। मनोज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर या कॉमिक्स 2000 की प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं आप। इसका अगला वॉल्यूम भी जल्द आएगा। एक ऐसी संपूर्ण मासिक पत्रिका, कॉमिक्स पत्रिका, जिसमें हम आपको साथ लेकर चलेंगे कहानियों की दुनिया के ऐसे अनोखे संसार में जिसमें आप पाएंगे हर प्रकार का मनोरंजन। मनोज कॉमिक्स, आहा उस जमाने के मनभावन ऐड जब बच्चे थे कितना आकर्षित करते थे। पृथ्वी पर कहीं दुनिया की ओझल सुर माया नगरी जिसका सम्राट था माया रक्तासुर। मनोज कॉमिक्स रक्तासुर का केवल एक ही शौक था, प्रतिदिन मानव रक्त का स्नान करना। इस कार्य के लिए अपने महल के
पृष्ठभाग में उसने बनवा रखा था रक्त का सरोवर जो हमेशा मानव रक्त में उबला रहता था। बस तीन माह और रक्त स्नान करना है और उसके बाद उसके बाद क्या होगा ये केवल रक्तासुर ही जानता था। जानने के लिए पढ़िए त्रिकाल देव सीरीज कॉमिक त्रिकाल देव और रक्तासुर। तो दोस्तों देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।